विदिशा में पिछले लंबे समय से स्थानीय प्रशासन को ट्रैफिक जाम की शिकायतें मिल रही थी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। अधिकारियों ने विशेष मुहिम चलाकर मुख्य बाजारों से अतिक्रमण को हटाया। साथ ही बाजारों में ऐसे दुकानदार जिन्होंने दुकान के बाहर अपना कब्जा जमा रखा था, उन्हें प्रशासन ने जेसीबी के माध्यम से हटवाया। एसडीएम श्रुतेश शर्मा ने बताया कि उन्हें लंबे समय से स्थानीय बाजारों में ट्रैफिक जाम होने की शिकायत बार बार मिल रही थी, जिसके तहत पिछले 2 से 3 दिनों में जगह जगह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में विदिशा के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपने दुकानों का सामान मुख्य बाजार की सड़कों पर ना रखें, ताकि आने वाले समय में लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि विदिशा की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पिछली रात कलेक्टर रोशन सिंह और विदिशा एसपी रोहित केसवानी भी मोटरसाइकिल से सड़कों पर उतरे थे। शहर में मुख्य मार्गों पे, खासतौर पे तिलक चौक पे, माधव चौक पे, रेलवे स्टेशन के आसपास, बड़ा बाजार में आवागमन को लेकर बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे माध्यमों से ये बात लगातार जिला प्रशासन और नगर पालिका तक आती रहती है कि लोगों का आना जाना वहाँ पे बहुत मुश्किल है, और जो लोग वहाँ आवश्यक खरीदारी करने आते हैं उन लोगों को बहुत असुविधा होती है। आज हम लोगों ने ये प्रयास केवल इसलिए किया है कि जिससे लोगों को इस बात की वार्निंग और इस बात की समझाई दे दी जाए कि दुकान के सामने जो अपना सामान रखे हुए हैं, जो दुकानों में जो आगे हैंगिंग निकाल के रखे हुए हैं, जिसके कारण लगभग 40 फीट से ज्यादा की चौड़ी सड़क है, जैसा आप देख रहे हैं, वो कम होकर 15-20 फीट की रह जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक को निकलने में बहुत दिक्कत है।